हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी का आलम ये हो चला है कि नेता विपक्ष को छोड़कर अपनी ही पार्टी के नेताओं पर वार पलटवार करने में व्यस्त है। कोई चुनावों में अपनी दावेदारी को मजबूत करने में लगा हुआ है तो कोई उस दावेदारी पर ही सवाल खड़े कर रहा है। इतना ही नहीं, अब तो हरियाणा में प्रचार और प्रसार को लेकर भी नेताओं के बीच खींचतान शुरू हो गई है। बीते रोज किरण चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे क्षेत्र में कांग्रेस संगठन मजबूत है, उन्हें पूरे हरियाणा से इतना मतलब नहीं है क्योंकि भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ जिलों में वो और श्रुति कांग्रेस को मजबूत बनाने में सक्षम है, उन्हें दूसरे नेताओं की इस क्षेत्र में जरूरत भी नहीं है। किरण चौधरी के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने ऐसा जवाब दिया कि किरण चौधरी शायद इसे पचा नहीं पाएंगे। चलिए आपको पहले किरण चौधरी का बयान सुनाते हैं, फिर उसके जवाब में चौधरी उदय भान का पलटवार। बात है, हमारा संगठन तो आपने देखा, ऐसा संगठन तो जो है हमारा भिवानी महेंद्रगढ़ जो हमारे जो तीन जिले हैं, ऐसा संगठन तो मेरे ख्याल में पूरे हरियाणा में कहीं नहीं होगा जो हमारा इतना मजबूत संगठन है और ये संगठन आगे लेकर जाता है। अब कहीं और कुछ होते हो तो मुझे पता नहीं। यहाँ पे भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र जो ये तीन जिले हैं, यहाँ तो भाई किसी और का जो है काम है नहीं, यहाँ तो हमारा है और इसको जो है कांग्रेस पार्टी को हमने मजबूत करना है, राहुल गांधी को मजबूत करना है। सारा हरियाणा सबके लिए खुला हुआ है। जब आप तीन जनों की जो बात कर रहे हैं, उससे पहले तो प्रदेश की बात किया करते थे, अब तीन जनों पर ही क्यों सीमित हो गई? सारा प्रदेश ही उनका है, सारा प्रदेश की बात करनी चाहिए। चौधरी उदयभान ने आज किरण चौधरी को जमकर आड़े हाथों लिया है और यहां तक कह दिया है कि पूरे हरियाणा की बात करने वाली किरण चौधरी तीन जिलों तक क्यों सीमित हुई जबकि पूरा प्रदेश उनका है। वैसे हरियाणा कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है वो किसी से कहां छुपा है, मगर अब ये अंदरूनी लड़ाई सार्वजनिक होने लगी है। चरखी दादरी से पुनीत श्योराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।